देखिए दोस्तों, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम से। और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जनसभा कंप्लीट होने के बाद लाखों लाख लोगों का ये हुजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको आदर्श स्टेडियम बाड़मेर से ये आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बाड़मेर शहर के बीचों बीच पीजी कॉलेज के सामने वीरेंद्र धाम हॉस्टल का आज सचिन पायलट के हाथों लोकार्पण हुआ और उसके बाद से आदर्श स्टेडियम में ये जनसभा को रखा गया था। और इसके बाद सचिन पायलट की ये सभा कंप्लीट होने के बाद जो लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं, आप ये भीड़ ये नज़ारा देख सकते हैं, लाखों लाख संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये 2023 चुनावों के लिए भी एक ट्रेलर भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? रेखाराम जी, कहाँ से हो? रोकड़ा से। अच्छा, जिस तरह से आज ये सचिन पायलट की जनसभा हुई है, क्या लग रहा है 2023 का ट्रेलर है? अच्छा, अगर 2023 का ये ट्रेलर है तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे मेवाराम जैन यहाँ पे नजर नहीं आए, क्या कारण हो सकते हैं? वो तो भाई मालूम नहीं है, ये तो हमारे को मालूम नहीं। आपको ये मालूम नहीं है? अच्छा, चलिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से ये गुटबाजी हो रही है, मेवाराम जैन कहीं ना कहीं गहलोत गुट के साथ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि गुटबाजी भी साफ तौर पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये तस्वीरें मैं आपके साथ बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम की साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।